राजस्थान के उदयपुर में बवाल अभी शांत नहीं हुआ है और अब जयपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा हंगामे की घटना सामने आई है। 17 अगस्त को जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर पुलिस से आरोपी युवक पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इसी बीच में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा और बाल मुकुंद आचार्य भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान गोपाल शर्मा भड़क गए और पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी देखने को मिली। उनके समर्थकों ने पुलिस के सामने नारेबाजी भी की। विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि हम संवेदनशील हैं और इसीलिए हमारे ऊपर हमले होते हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी अब अधिक दिनों तक नहीं चलेगी। उन्होंने पुलिस से कहा कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई हो। इस दौरान विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि अपराधी बचेंगे नहीं, पुलिस उसकी तलाशी कर रही है, सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। चलिए आपको पूरा विवाद बताते हैं। दरअसल शास्त्री नगर थाने के नज़दीक स्थित आज़ाद कॉलोनी में ई रिक्शा और स्कूटर सवार युवकों में विवाद हो गया। विवाद का कारण दोनों वाहनों की टक्कर बताया जा रहा है। स्कूटर सवार दिनेश और उसके साथी जितेंद्र को रिक्शा में सवार युवकों ने बुरी तरह से पीटा। दोनों लगभग अचेत हो गए, जैसे तैसे खुद को संभाला और नज़दीक ही अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद दोनों ही बेहोश हो गए। दोनों को ही उनके परिजन कावटिया अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। दिनेश की मौत के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जितेंद्र के होश आने पर पुलिस और दिनेश के परिवार ने उससे पूछताछ की तो पूरा विवाद खुलकर सामने आया। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार साधारण परिवार से है। मृतक दिनेश परिवार में कमाने वाला इकलौता था। उसके एक 10 से 11 साल की बेटी है, पत्नी दिव्यांग है। परिवार ने सरकार से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी अपील की है। जानकारी है कि सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जहां तक पुलिस कार्रवाई की बात है, घटना में शामिल 3 आरोपियों में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, अन्य की तलाशी जारी है। शहर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।